दोस्तों तो मिल गया मौका, मिल गया, मिल गया इन कुत्तों को बाबर आजम के खिलाफ जो है ना भौंकने का। दरअसल मौका मिल ही गया इनको मौका। क्यों, क्या पता है क्यों? ये पिशावर जलमी की टीम का ठेका जो है ना बाबर आजम ने ले रखा है, और बाकी जो मिडल ऑर्डर के बैट्समैन है ना, ये जो कुत्ते भौंकते हैं ना बाबर आजम के खिलाफ, वो इनके बहनों ही है, वो इनके बाप है। जो मिडल ऑर्डर में पिशावर जलमी का पूरा मिडल ऑर्डर देख लो, पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने किया क्या है? बस साइम अयूब और बाबर में से कोई एक रन करता है और बाकी तो कोई रन भी नहीं करते। हाँ, या वो दोनों रन कर जाते हैं तो बाकी पीछे रन नहीं करते। रात के मैच में 10 ओवर में शुरू के 98 रन बने और आखिरी के 10 ओवर में 200 भी मुकम्मल नहीं कर पाए। आखिरी के 10 ओवर में उन्होंने 87 रन किए और शुरू के 10 ओवर में वो 98 रन कर जाते हैं। ये था ना पिशावर जलमी का मिडल ऑर्डर। दुनिया के दूसरी टीमों का मिडल ऑर्डर देखो, इस्लामाबाद का मिडल ऑर्डर देखा ना, कैसे मैच बाहर करके चले गए। उनका जो है कि सॉरी लोअर ऑर्डर था पिशावर जलमी का, हाँ उसका इस्लामाबाद का लोअर ऑर्डर रन निकाल के चला गया। 5 विकेट के बाद हैदर अली आया था, हैदर अली 7वें नंबर पे आया बैटिंग करने, इमाद वसीम 6ठे नंबर पे आया बैटिंग करने। ये मिडल ऑर्डर नहीं है, ये लोअर ऑर्डर है। उनका लोअर ऑर्डर रन निकाल के चला गया, लेकिन पिशावर जलमी का ये मिडल ऑर्डर पूरे टूर्नामेंट में घटिया परफॉर्म। ये जो मिडल ऑर्डर है ना, ये पाकिस्तान के ये वासे अबीब, ये शोएब जट, ये इफी कमर, ये क्या नाम है फुरकान भट्टी हो गया, जितने भी मीडिया वाले गंदी नाली के कीड़े रहते हैं ना पाकिस्तान में, इनके बहनों ही और इनके बाप हैं ये पिशावर जलमी के मिडल ऑर्डर वाले और लोअर ऑर्डर वाले बैट्समैन। क्योंकि वो चल ही नहीं रहे, उनको कुछ नहीं कहेंगे, जो ना चलेंगे उनको कुछ नहीं कहेंगे, और जो चल रहे हैं कसूर उनका होगा। वो तो देखो कुदरत का एक निज़ाम था, 5 विकेटें 91 पे जब इस्लामाबाद की गिरी, लग रहा था मैच हमारे हाथ में, लेकिन इमाद वसीम और उसका चल गया। और फिर पिशावर जलमी के पास बॉलर कौन से अच्छे हैं, दिखा दो कोई बॉलर हो अच्छा जो कहें कि हाँ इनके होते हुए पिशावर जलमी हार गया। एक बॉलर था नवीन उल हक, जो अपनी किस्मत लेके आया, पिशावर जलमी जीत रही थी, अपना वो चला गया, तो उसके बाद पिशावर जलमी ने 2 मैच खेले, दोनों ही हारे। जब वो नहीं था तो पिशावर ने 2 मैच खेले, दोनों हारे थे, और जब वो था तो पिशावर जलमी 7 में से 1 मैच हारती है, बाकी जीत जाती है, और जब वो चला जाता है तो फिर पिशावर बैक टू बैक 2 मैच हार जाती है। कौन से बॉलर थे पिशावर जलमी के? ना पिशावर जलमी में कोई बॉलर अच्छा था, ना उनका मिडल ऑर्डर लोअर ऑर्डर किसी काम का था, घटिया किस्म के जो है ना परफॉर्म थी उनकी। बस पिशावर जलमी की तरफ से सिर्फ 2 ही बैट्समैन थे जो चलने वाले थे, बाबर आजम और साइम अयूब। अब हर मैच में तो बाबर आजम नहीं चल सकता, वो बाबर आजम है, हाँ वो जो ये भौंकते हैं ना बाबर आजम के खिलाफ, इनका बहनों ही नहीं है जो हर मैच में तुम लोगों को चांद में पहुंचाएगा, हर मैच में रन्स करेगा। एक टुक्का था लग गया, अच्छा मारा था उसने नसीम शाह को। अब शादाब खान जैसा फील्डर खड़ा हुआ है तो फिर भाई थोड़ा ऊपर होता तो बॉल निकल जाती चौके के लिए, कुछ ना कुछ पार्टनरशिप लंबी हो जाती, 200 प्लस रन बन जाते ना, फिर हो जाता फाइट। लेकिन यहाँ पर 185 रन बने, 187 रन बने, हुआ क्या? टीम हार गई, फिर भी टीम जीत रही थी, फिर भी हम जीत रहे थे। 91 पर 5 विकेटें गिर गई। उसके बाद भाई पिशावर जलमी की बॉलिंग, मैं इतना गुस्सा आ रहा था पिशावर जलमी के बॉलर और मिडल ऑर्डर पे नहीं, जो मीडिया पे बैठ के बाबर आजम के खिलाफ तंजिया ट्वीट कर रहे थे या तंजिया वीडियोज अपलोड कर रहे थे ना, मुझे उनके ऊपर गुस्सा आ रहा था कि ये गंदी नाली के कीड़े जितने भी हैं ना, ये गंदी नाली के ही रहेंगे, क्योंकि नाली का कीड़ा नाली से बाहर कभी भी नहीं आएगा। अगर बाहर उसको निकालोगे ना, फिर भी वो कीड़ा रेंगते 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 नाली में चला जाएगा, क्योंकि वो नस्ल ही जो है ना गंदी नाली का है। जैसे जिनको मैं बोलता हूँ हमेशा, पाकिस्तान की मीडिया वाले जो बाबर आजम के पीछे एजेंडा लेके घूम रहे होते हैं ना, ये गंदी नाली के कीड़े हैं। इनको जिस दिन बाबर आजम के रन्स होते हैं या बाबर आजम मैच जीतता है ना, ये कीड़े नाली से बाहर आ जाते हैं कि आज बाबर आजम अच्छा कर गया। बस मौके की तलाश होती है इनकी, मौका मिल जाए, बाबर आजम रन्स ना करे, टीम हार जाए, ये गंदी नाली के कीड़े रेंगते 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 फिर गंदी नाली में चले जाते हैं, और फिर जो है बाबर आजम के खिलाफ बकवास कर रहे होते हैं। तो इनकी बकवास चलती रहेगी, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा किंग किंग है, वो किंग ही रहेगा, हम उसको सपोर्ट करते रहेंगे। हाँ, ऐसे तो विराट कोहली जैसा प्लेयर 17 आईपीएल हार चुका है उसका विराट कोहली। हाँ, फिर डिविलियर है, आज तक कोई टूर्नामेंट जीता है डिविलियर ने अपनी लाइफ में 33 टूर्नामेंट खेले हैं, 33 टूर्नामेंट, दुनिया भर की लीगें लगा लो, इंटरनेशनल के वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी लगा लो, दुनिया भर की लीग्स लगा लो, 33 टूर्नामेंट जो है ना डिविलियर ने खेले हैं। 33 टूर्नामेंट में से एक भी उसकी मौजूदगी में वो सामने वाली टीम जीती नहीं है, फिर चाहे वो उसकी इंटरनेशनल टीम किसी वर्ल्ड कप 20 या चैंपियन ट्रॉफी में हो, चाहे फिर डोमेस्टिक की लीग हो, जो बीपीएल हो गई, बिग बैश हो गई या आईपीएल हो गई, जिन टीम का हिस्सा डिविलियर बना है उन टीमों ने 33 बार जो है कि टूर्नामेंट, उन टीमों ने 33 टूर्नामेंट खेले, लेकिन उसमें एक भी डिविलियर की मौजूदगी में किसी टीम ने कोई टूर्नामेंट नहीं जीता। वो भी प्लेयर था ना, हाँ था कि नहीं था? फिर सचिन तेंदुलकर दिखा दो मुझे, सचिन तेंदुलकर हमेशा रन करता था,
किसी नॉकआउट मरहले में वर्ल्ड कप हो गया या चैंपियन ट्रॉफी हो गया, सचिन तेंदुलकर की कोई सेंचुरी मुझे 50 दिखा दो फिलहाल टूर्नामेंट में, फिनाले वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर ने सेमीफाइनल में 100 बनाया था, फाइनल में 100 बनाया था, दिखा दो। जब इतने महान प्लेयर फ्लॉप हो रहे हैं फिर ये तो बाबर आजम है। सचिन तेंदुलकर की टीम में और कितने इतिहासन प्लेयर होते थे, लेकिन बाबर आजम चाहे पाकिस्तान टीम हो चाहे पेशावर जेलमी की टीम हो, वही थकेले लूले लंगड़े प्लेयर इसकी बाबर के गले में पड़ते हैं। बाबर रन करे तो करे, बाबर ना करे तो वो कहते हैं हमने ठेका थोड़ी ले रखा है। बस